कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। अगर पूत ऋषभ पंत जैसा हो तो क्या कहने। भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल तक का सफर तय किया और इस सफर को आसान बनाया ऋषभ पंत जैसे होनहार ओपनर ने। ऋषभ ने अपनी बेहतरीन पारियों के बदौलत सीनियर टीम के लिए अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा दिए। तो चलिए ऋषभ से ही जानते हैं उनका कैसा रहा अब तक का सफर। Short again, and same shot. This time moved his feet. Well, there we go. Here's another one that's very clean and straight. One happened only because of the extra power. The bat will go up. Saurabh Ganguly, VVS Lakshman, Rahul Dravid. और सचिन तेंदुलकर जैसे भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स के संन्यास लेने के बाद एक बार फिर टीम इंडिया से कई खिलाड़ी रुखसत होने की तैयारी में हैं। ऐसे में भारत के लिए खेलने का सपना संजोए युवा क्रिकेटर इस मौके का फायदा उठाने के लिए अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्हीं क्रिकेटर्स में से एक हैं दिल्ली के दिलेर ऋषभ पंत। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऋषभ ने ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के कानों के साथ पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। ऋषभ की उम्र महज 18 साल है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने वो कमाल कर दिखाया जिसे एक आम खिलाड़ी को हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले ऋषभ की पहचान महज एक विकेट कीपर बल्लेबाज की थी, लेकिन टूर्नामेंट के खत्म होते होते उनका नाम भारत के हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर चढ़ चुका है। कप्तान ईशान किशन के साथ ओपनिंग करने वाले ऋषभ नेपाल के खिलाफ मुकाबले में महज 18 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाकर सबके चहेते बन गए। ये इस स्तर की क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। This time moved his feet. Short this time, and he just rocks back again. Under 19 वर्ल्ड कप में इस बार भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया और इस सफर में ऋषभ पंत ने खास भूमिका भी निभाई। Here's another one that's very clean and straight. One bounce. Oh, that's a good shot. That was hit with a lot of power, and hence that misfield. टूर्नामेंट में ऋषभ ने कुल 6 मुकाबलों में 44.50 की बढ़िया औसत से 267 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक शानदार सेंचुरी और दो हाफ सेंचुरी लगाई। वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सरफराज खान के बाद दूसरे नंबर पर रहे। नेपाल के खिलाफ रिकॉर्ड पारी खेलने के अलावा उन्होंने नामीबिया के खिलाफ धमाकेदार सेंचुरी लगाकर लगातार अपने बल्लेबाजी कला की बेमिसाल झलक भी पेश की। कोच कभी सेटिस्फाई नहीं होता, एक प्लेयर कभी कंप्लीट नहीं होता, हमें उस प्लेयर के अंदर हर टाइम काम देखना है। अभी कुछ बहुत आगे है, दिल्ली बहुत दूर है, उसे बहुत आगे कुछ कम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आगे जा सकता है, और हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के वापस आने के बाद भी हमने वो एनालाइज़ किया जो उसने वर्ल्ड कप में क्या क्या गलतियां करी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसके अंदर, और आगे भी हम उन पर ध्यान रख रहे हैं जो आगे वो किस तरीके से अपने आप को पेश आए जिससे कि एक अच्छा खिलाड़ी बन सके। 5 साल की उम्र में क्रिकेट का बल्ला थामने वाले ऋषभ की अब तक की कामयाबियों के पीछे उनके गुरु तारक सिन्हा का अहम योगदान है। 5 साल पहले ऋषभ की मुलाकात तारक सिन्हा के साथ हुई और वो मुलाकात आज रंग ला रही है। जो भी प्लेयर हमारे पास आता है वो कुछ बनने के लिए आता है। ऋषभ भी शायद जो मेरे पास आए थे तो कुछ ना कुछ बनने के लिए आए होंगे, और ऋषभ के अंदर क्वालिटी थी इसीलिए आज जो है ऋषभ जहाँ है
वो अपनी गेम की क्वालिटी की वजह से है। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, वो मेरे पास एक समर वेकेशन के कैंप के दौरान आए थे। उस कैंप में मुझे उसके अंदर पोटेंशियल नज़र आया, तो उसके बाद जो है हमने उसके ऊपर काम किया। आपको बता दें कि ये वही तारक सिन्हा हैं जिन्होंने भारतीय टीम के लिए आशीष नेहरा और शिखर धवन जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स को तैयार किया है। इतिहास गवाह रहा है कि भारतीय क्रिकेट में जूनियर स्तर पर जिस खिलाड़ी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, उसने आगे चलकर सीनियर टीम में बहुत नाम कमाया है। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ से लेकर विराट कोहली तक ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत वो लाइम लाइट में आए और आज aggression straight and again this time this one's bigger short again and the same shot this time moved his feet well there we go here's another one that's very clean and straight one has happened only because of the extra power the bat will go up आइए हमारे साथ ऋषभ पंत मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि अंडर 19 का सफर आपका कैसा रहा था। काफ़ी अच्छा था मेरे लिए, अच्छा एक्सपीरियंस था अंडर 19 में इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना। काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मेरे को खेल के कि कैसे मतलब इंटरनेशनल ICC का टूर्नामेंट था उसमें परफॉर्म करो, तो काफ़ी अच्छा रहता है किसी यंगस्टर के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है क्योंकि सारे मैच लाइव होते हैं, कोई भी परफॉर्म करता है तो उसको हाइप मिलती है मीडिया से हर चीज़ से, बाकी सब आप लोग देख ही रहे। ऋषभ अंडर 19 के कैप्टन ईशान किशन आपके साथ ओपनिंग कर रहे थे, क्या तजुर्बा रहा, क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, हम लोग पहले भी साथ में खेले हुए क्योंकि काफ़ी मैच दो सीरीज़ पहले भी खेले हैं, दो ट्राई सीरीज़ खेले अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ, एक इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, हम लोग काफ़ी साथ में खेले हुए, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो अच्छा था हमारे। और जिस तरह आपने नेपाल के खिलाफ एक सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई, वो एक रिकॉर्ड था, और उसके बाद भी क्या आपको लगा कि कुछ किसी रिकॉर्ड से चूक गए? क्योंकि इससे पहले जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपने यही बोला था कि मैं शायद शतक बनाना चाहता, थोड़े रन और करता तो ज़्यादा खुशी होती, इस पर क्या कहना? वो तो होता ही है भैया कि 100 में सो गया था मेरे से उस मैच में, अगर नॉर्मल भी खेलता तो भी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था 100 का, बट अनफॉर्चुनेट रहा मैं, मेरे लिए वो नहीं पाया। अच्छा, उससे पहले जब आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था उसमें थोड़ी सी स्लो इनिंग थी, फिर जिस तरह नेपाल में खेला तो क्या कुछ तैयारियां थी, क्या रणनीति थी कि हाँ इस बार मैदान में जाऊंगा, छोटा टारगेट है, किस तरह से स्टार्टअप करेंगे? ये ऐसा कुछ प्लानिंग था, हर मैच में ये प्लान होता कि नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, हर मैच के सिचुएशन के हिसाब से खेलूंगा, आप देखोगे तो मेरी हर इनिंग जो वर्ल्ड कप में वो एक अलग तरीके से खेली है मैंने, तो जैसी टीम की होती है उस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से मेरे को खेलना पड़ता था। और जैसे हमने देखा कि विकेट हम लोग के फॉल डाउन हो रहे थे, कभी आप आउट हो जाते थे या फिर ईशान के, सरफराज ने एक अहम भूमिका निभाई थी, अच्छा प्रदर्शन रहा पूरी सीरीज में, जो देखने को मिला उन्हें 6 मैचों में 5 में शतक लगाए, तो सरफराज के लिए क्या कहना होगा? सरफराज एक हमारे लिए टीम के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि सरफराज काफ़ी हेल्प करता था, ऊपर से मैं रन बनाता था तो बीच में अगर कॉलैप्स भी होता था नीचे से सरफराज संभाल लेता था टीम को, तो बहुत अच्छा था हम लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक टीम में हर प्लेयर फॉर्म में नहीं होता है, मगर जो प्लेयर फॉर्म में होते हैं उनको टीम को लेके जाना पड़ता है, तो वही कर रहे थे मैं और सरफराज। अगर बात की जाए अंडर 19 वर्ल्ड कप की, तो हम लोग ने काफ़ी अच्छा खेला स्टार्टिंग में भी, जिस तरह हम लोग दिख रहे थे, हमारे 3 विभाग होते हैं बैटिंग फील्डिंग और बॉलिंग, तीनों में हम हेड दिख रहे थे, आखिरी में आपको क्या लगता है हम किस मतलब उससे चूक गए और वो मैच हार गए? अच्छा नहीं, हम लोग ने बॉलिंग भी अच्छी की, 145 का कम टारगेट के बाद भी उस मैच को हमने आखिरी ओवर तक लाया, तो आपको उसमें उस मैच में क्या कमी लग रही थी कि अगर हम वो भी करते तो शायद वो मैच हमारे पास होता? क्या एक ख़राब दिन था हमारे लिए काफ़ी, जो वर्ल्ड कप का फाइनल निकला, तो मैं यही बोलूँगा बाकी अगर हम 10 मैच खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ से तो 10 में से 9 मैच हम हमेशा जीतेंगे, बट वो एक जो दिन हमारा ख़राब निकला वो वर्ल्ड कप का फाइनल। अच्छा, बाकी दिन आपने सही भी बात की जाए, आपका वो अंदाज एक जो नेपाल में देखने को मिला था, फिर उसके बाद आपने एक सेंचुरी भी लगाई थी, तो आगे भी ये ट्रेजेडी थी, आपका भी आप कह सकते हो बैड लक है क्योंकि आप बाहर आ गए थे शॉट खेलते हुए, तो आपको जब आउट हुए तो क्या लग रहा था यार ये क्या हो गया, क्योंकि उस तरह का आउट होना एक मतलब सोचने वाली बात है? एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसे, फिर अनफॉर्चुनेट हो गया, वो तो आउट हो गया, बट अब कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। और अगर बात की जाए, राहुल द्रविड़ सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, आपके कोच थे वहाँ पे, उनसे क्या क्या सीखने को मिला, और उन्होंने भी काफ़ी बार विकेट कीपिंग की है टीम इंडिया के लिए, तो मतलब टीम को तो मिला ही मिला, साथ में आपने क्या क्या सीखा उनसे? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था राहुल सर के साथ, वो सिखाते थे डिसिप्लिन कैसे होना लाइफ में, टाइमिंग
हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो बताते थे कीपिंग में भी कि बॉल फंबल कम होनी चाहिए, हाथ से कंसंट्रेट होकर ज़्यादा कीपर को रहना पड़ता है बाकी लोगों से। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला राहुल सर से। अच्छा, 2015 में आपकी रणजी टीम की शुरुआत हुई है, वहाँ से फिर आपने जो एक यहाँ पे कमबैक मिला, जब 19 के बारे में सुना कि आप अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो, तो क्या अनुभव था उसका, क्या एक्सपीरियंस था? यह काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि दो तीन साल से लगातार 19 में मेहनत कर रहे थे। वर्ल्ड कप के लिए सोचा हुआ था कि यार नाम आना चाहिए, मेहनत करी हुई है, नाम आया तो काफ़ी अच्छा लगा। अब क्या लग रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा क्या होगा, कि मतलब आईपीएल है ही, आपने आईपीएल में जिस तरह उस दिन शतक लगाया उसी दिन आपका आईपीएल में सबसे अच्छी एक गोली लगी, फिर अब आईपीएल आ रहा है, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? यही है भैया, जैसे भी टीम के हिसाब से होगा, टीम के लिए अच्छा करूंगा, अपने लिए अच्छा होगा, मेरे लिए। अच्छा, अब जैसे बात की जाए, अब आईपीएल के साथ साथ बाकी भी जो सीजन रहेंगे, जैसे इंडिया में युवा काफ़ी देखा जा रहा है कि युवा टीम में कितने आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से अपनी जगह बनाएंगे आईपीएल में परफॉर्मेंस के बाद? ऐसा कुछ अभी सिर्फ आईपीएल में परफॉर्म करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडिया के लिए मैं सोचा हुआ है, ज़रूर है, इंडिया खेलना है, सबको खेलना होता है जो भी क्रिकेट खेलता है, बट आप सीधा इंडिया के लिए नहीं जा सकते, आपको परफॉर्म करते रहना पड़ता है, बाकी सब सेलेक्टरों के हाथ में। अगर ऋषभ बात की जाए, आप मैंने सुना है कि कई बार आपको क्रिकेट में मतलब ज्वाइन करने में काफ़ी कॉलेजेस चेंज करने पड़े, काफ़ी जगह आना पड़ा, तो उसका क्या अनुभव रहा है, मतलब कितने कॉलेजेस चेंज किए और फिर किस तरह एक प्लेटफॉर्म मिला आपको? काफ़ी, मतलब इतनी यंग एज में इतनी जगह ट्रैवल करना, पहले दिल्ली, राजस्थान, फिर दिल्ली, तो काफ़ी मतलब ट्रैवल करता रहा मैं, बट जो तारक सर है और सोनेट क्लब ने हमेशा मेरी हेल्प करी है। जब मैं दिल्ली में पहली बार आया तो मैं सीधा सोनेट क्लब आया था। अच्छा, अगर बात की जाए कोचेस में, तो मतलब आपने कब अपना करियर स्टार्ट किया, कहाँ से, मतलब पहली अकेडमी थी, फिर आपने यहाँ पे ज्वाइन किया और अंडर 19 में, मतलब सबसे अहम भूमिका किस कोच को मानते हैं? तारक सर को। उस अच्छा तारक सर की बात की जाए, तो मतलब उन्होंने आपको मतलब कब से सिखाना स्टार्ट किया, क्या वर्क थी, और आप जब आए थे उनके पास तब कैसे थे, और आप तो सभी जानते हैं आप स्टार हो चुके हो, पहले लाखों में लोग जानते थे, अब करोड़ों में आप लोग को जानते हैं, बड़े फैंस हो चुके हैं, तो क्या कुछ मतलब जो आपकी कमियां थी तारक सर ने आपके साथ मेहनत की है उस पर? पूरा गेम चेंज कराया है मेरा, बेसिक इम्प्रूव कराया है, मतलब हर चीज़ जो भी है तारक सर ने मेरे को पूरा बहुत चेंज कर दिया मेरे अंदर, क्योंकि उससे मेरे को हेल्प हुआ है अपनी क्रिकेट में, क्योंकि हायर क्रिकेट खेलने के लिए आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, वो तारक सर को पता था कैसे कैरी करना अपने आप को, सब कुछ तारक सर बताते हैं। अगर बात की जाए अंडर 19 में, तो मतलब पूरी तरह से आपको देखा जाए तो 2015 में था, आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं था, तो फिर एक जिस तरह प्रैक्टिस सेशन होता था, मतलब कितने घंटे आप कुल मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, कितना टाइम देते थे अपनी प्रैक्टिस को? प्रैक्टिस तो मैं सुबह 8 o'clock आ जाता हूँ एकेडमी, इवनिंग में 4 o'clock तक प्रैक्टिस होती है, उसमें फील्डिंग, फिटनेस, कीपिंग, बैटिंग सब कुछ करता हूँ। वहीं अगर पेरेंट्स की बात की जाए, तो कितना सपोर्ट मिला, कि मतलब कुछ होते हैं बच्चे के, हाँ ठीक है अभी हम नहीं इनको पढ़ाना चाहते, क्रिकेट खेल कूद में इतना सपोर्ट नहीं करते, तो आपको आपके घर से कितना सपोर्ट मिला? मेरे को तो मेरे घर से भैया पूरा सपोर्ट मिला है, बचपन से पापा क्रिकेट खेलते थे, पहले यूनिवर्सिटी खेले हुए यूपी से, तो उनको काफ़ी क्रेज था क्रिकेट का, तो बचपन से ही फर्स्ट क्लास से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे ऋषभ आखिर किसको करने वाले टीम इंडिया में रिप्लेस।